बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे, मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्म एक्सपर्ट हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि कोरोना के बाद जिन लोगों को कोरोना या COVID-19 ये संक्रमण हो गया है, उसके बाद में कौन सी चीजों का ख्याल रखें ताकि आपका स्वास्थ्य पहले जैसा हो और आप स्वस्थ रह सके, इसी पर बात करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो जैसे अब तक हम ये जान ही गए हैं कि कोरोना जो है ये सिर्फ फेफड़ों के लिए ही खतरनाक नहीं है, तो इसका असर हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति पे होता है और जिसके वजह से पूरे शरीर पर इसका असर होता है। विशेषता हमारा दिल, हमारा दिमाग, मांसपेशियां, नसें, खून, मस्तिष्क, आंखें, इन सभी पर इसका असर होता है। और इससे बचे रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड से ठीक होने के बाद में भी दिल की बीमारियां होना, खून में गुठलियां होना, म्यूकर माइकोसिस जैसा भयंकर संक्रमण होना, ये सभी चीजें, ये सभी मामले सामने आ रहे हैं। तो इसलिए जब आप कोविड से ठीक होते हैं तो इसके बाद में कुछ करना जरूरी है कि जिसके वजह से इसके उपद्रव से आप बच सकते हैं। कोविड का संक्रमण होने के बाद भारत में 90% लोग तो घर में ही होम क्वारंटाइन रह के अपने डॉक्टरों से इलाज करके ठीक हो रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश के लिए। लेकिन इन लोगों को भी ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि इनका मेडिकल सुपरविजन कंपैरेटिवली कम रहता है। तो जो लोग होम क्वारंटाइन है और जिन्होंने अपना इलाज घर में रह के किया है, उन्होंने जब इसके लक्षण कम हो जाते हैं, जब कोविड के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, इन चीजों से जब छुटकारा पाते हैं, तो उसके बाद में भी 2 से 8 हफ्तों तक ज्यादा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अपने पूरे शरीर को पहले जैसा होने के लिए शरीर को आराम की जरूरत रहती है। काफी लोगों को जब कोविड से रिकवरी होती है तो फिर भी थकान रहती है, बहुत ज्यादा नींद आती है, सुस्ती बनी रहती है, शरीर में बदन दर्द रहता है, भारीपन रहता है, या किसी को नींद कम हो जाना ये भी तकलीफ महसूस होती है, भूख न लगना, जो अन्न खा रहे हैं उसका टेस्ट पता न चलना, ये भी बातें हमारे ध्यान में आती है कि जब कोविड से आप रिकवर होते हैं तो ये सब चीजें होती है। तो इसलिए 2 से 8 हफ्तों तक खुद का ख्याल ज्यादा रखें, अन्न जो है वो कम से कम खाए, जब जितनी भूख हो उसी मात्रा में अन्न का अगर आप सेवन करेंगे तो आपका अग्नि अच्छा रहेगा और इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होने में मदद मिलेगी। अपने घर पे ऑक्सीमीटर रखिए, रेगुलर ऑक्सीजन चेक करते रहिए। कभी कभी लक्षण तो ठीक होते हैं लेकिन बीमारी अंदर रह के वापिस ज्यादा तीव्र स्वरूप में आगे आती है, ऐसे भी कुछ मामले सामने आते हैं। तो इसलिए ऑक्सीमीटर पर अपने ऑक्सीजन की लेवल देखते रहे। अगर आपको बीपी, डायबिटीज, इसे जैसी कुछ और बीमारियां हैं तो उन बीमारियों का भी अच्छे से इलाज रेगुलर करते रहे, उनके बारे में भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। साथ ही आपके फेफड़ों के और आपके रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए जो जरूरी है वो प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग के एक्सरसाइज करें, ओंकार और भ्रामरी करें, जिससे भी आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने में मदद मिलती है। आपका अग्नि अच्छा हो, आपकी मेटाबॉलिज्म, आपकी चयापचय क्रिया अच्छी हो, इसके लिए गर्म पानी पीना भी बहुत ही जरूरी है। तो सुबह शाम 2 बार गर्म पानी, उबलता हुआ गर्म पानी पीना, ये भी बहुत जरूरी है। पूरे बेड रेस्ट की तो जरूरत नहीं है, लेकिन जितना आराम आप कर सके उतना आराम कीजिए, क्योंकि शरीर में थकान अगर रहती है तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा काम करेंगे और आराम भी करेंगे तो ये भी आपके शरीर की रिकवरी जल्दी होने में मदद करेगा। साथ ही स्टीम यानी भाप रेगुलर रहते रहिए, जिससे अगर एडिशनल संक्रमण भी शरीर में होता है तो वो भी शरीर से कम होने में मदद मिलती है और आपके फेफड़ों में ताकत बनी रहती है। ये बात हो गई उन लोगों के लिए जो होम क्वारंटाइन रह के ठीक हुए हैं। जो लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे, जिन्हें ऑक्सीजन लेना पड़ा है, वेंटिलेटर लेना पड़ा है, उन्हें ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है। ऐसे लोगों ने अगले 8 से 12 हफ्तों तक ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति पर और उनके शरीर पर ज्यादा असर इस कोविड का हुआ है, तो उन्होंने भी इसका ज्यादा ख्याल करना बहुत ही जरूरी है। इन लोगों ने भी पाचन में हल्का आहार लेना जरूरी है, ऐसा आहार जो भूख बढ़ाए उसका सेवन रेगुलर करना इनके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मूंग दाल और उससे बने हुए पदार्थ, मूंग दाल का सूप या खीर ये बनाकर ले सकते हैं, मूंग दाल की खिचड़ी भी ले सकते हैं, जो शरीर को ताकत देती है और ये पाचन में हल्की होती है, या
जो पफ्ड राइस है, जो चावल का फूला हुआ है, उसका भी अगर आप सेवन करते हैं तो ये भी पाचन में हल्का है और शरीर के लिए ऊर्जा देने वाला है। इसके साथ सुबह में जल्दी और शाम में जल्दी खाना खाएं। रसायन का सेवन इसमें बहुत जरूरी है, तो अलग अलग रसायन कल्प है जिनका सेवन भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी वैद्य की सलाह लेना जरूरी है। अगर आप काम करते हैं तो घर से ही काम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम का सहारा लीजिए ताकि आपको आराम भी मिले और काम भी होता रहे। सबसे जरूरी बात है वो है कि घर में अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ वक्त गुजारे और खुश रहे। पॉजिटिविटी इसमें बहुत जरूरी है। आपका मेंटल एटीट्यूड, आपका मानसिक दृष्टिकोण भी इसमें हमेशा सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो जो इससे आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशंस है उनसे आप बच सकते हैं। अगर आपको छोटे मोटे कुछ लक्षण दिखते हैं, फिर से सर्दी खांसी होती है, या आपको अगर कुछ काला धब्बा दिखता है आपके चेहरे पे, नाक के आसपास, तो जरूर डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए ताकि अगर इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है तो आप इसे टाल सकते हैं। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आयुर्वेद शास्त्र की बातें जिसका संबंध आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है। तो ऐसे ही अगर हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो कोरोना से ग्रसित रह चुके हैं या जो ग्रसित है, ताकि वो भी सतर्क रहे और खुद का ख्याल रखे। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखिए। निरोगी भव।